हम लोगों ने दो टाइप का ट्रांजिस्टर देखा है, कौन सा टाइप का बताइए। हेलो, एनपीएन और पीएनपी। वेरी यस सर। गुड, और एनपीएन। और दूसरा क्या देखा? पीएनपी। हम लोग दोनों का ऑपरेशन देखेंगे, दोनों कैसे वर्क करता है। ऑपरेशन मींस कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का, उसके बाद हम लोग किसका देखेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। सो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखिए ये एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अगेन ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसको मैंने इमिटर टर्मिनल, ये इमिटर टर्मिनल है, ये बेस का टर्मिनल है, और ये क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है। कलेक्टर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इमिटर टर्मिनल में उसको इमिटर करंट बोलेंगे, जो करंट बेस टर्मिनल में फ्लो हो रहा है उसको बेस करंट बोलेंगे, और जो कलेक्टर टर्मिनल में फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर कलेक्टर करंट बोलेंगे। देखिए, हाँ वेरी गुड। हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसमें इमिटर और बेस फॉरवर्ड बायस में होता है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, निगेटिव पोलरिटी ऑफ बैटरी को एन टाइप से कनेक्ट किया। कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में होता है, इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एन टाइप से कनेक्ट किया। और तो ये हम लोगों ने इसको किया वीसीबी, इसको क्या बोले वीसीबी क्यों, क्योंकि वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ये वीईबी मीन्स वोल्टेज बिटवीन इमिटर एंड बेस। देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हम लोग जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए नेगेटिव पोलरिटी ऑफ द बैटरी क्या करेगा, नेगेटिव पोलरिटी ऑफ बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ध्यान दीजिए, म्यूट कर लीजिए, किसी का आवाज आ रहा है म्यूट कीजिए। तो देखिए, तो देखिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये नेगेटिव पोलरिटी है, पॉजिटिव है। तो देखिए ये एन टाइप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, किसके तरफ पुश कर रहा है, बेस रीजन की तरफ। आप इस बेस। एनालिसिस से इजीली समझ सकते हैं ये एन टाइप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है टुवार्ड्स द बेस रीजन। और ये क्या, फिर ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और किस टर्मिनल पे कलेक्ट हो रहा है, कलेक्टर टर्मिनल पे। कलेक्टर तो टर्मिनल। फॉरवर्ड इज अप्लाइड टू द इमिटर जंक्शन, फॉरवर्ड बायस मैंने अप्लाई किया, एंड रिवर्स बायस इज अप्लाइड एट द कलेक्टर टर्मिनल। इस सर्किट से भी समझ सकते हो और इस एनिमेशन से भी आप समझ सकते हो। द फॉरवर्ड बायस इन द इमिटर जंक्शन कॉज द इलेक्ट्रॉन टू मूव टुवर्ड्स द बेस, ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस जंक्शन, ये निगेटिव पोलरिटी ऑफ द बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, और ये फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को किसके तरफ मूव करने के लिए, बेस रीजन की तरफ मूव करने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ड्यू टू दैट क्या होता है, इमिटर करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो देखिए इमिटर करंट, देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इमिटर होगा। करंट। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना लेफ्ट टू राइट, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, राइट 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 टू लेफ्ट हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, और वो करंट क्या कहलाएगा, इमिटर करंट कहलाएगा। सबको क्लियर हुआ कि इमिटर करंट का सर। डायरेक्शन कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट किए, फॉरवर्ड बायस में कैसे निगेटिव पोलरिटी ऑफ द बैटरी रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को टुवार्ड्स द बेस रीजन। नेक्स्ट देखिए, एज दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवार्ड्स द बेस बेस टाइप रीजन, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ एन टाइप से, और किस रीजन की तरफ मूव किया, पी टाइप बेस रीजन की तरफ। दे ट्राई टू रिकम्बाइन विद होल्स, हम लोग जानते हैं कि पी टाइप में होल्स क्या होता है, मेजोरिटी इन नेचर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा इमिटर टर्मिनल से क्या करेगा, रिकम्बाइन करने का, रिकम्बाइन करेगा। एज द बेस इज लाइटली डॉप्ड, ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद द होल्स विद इन द बेस रीजन। हम लोगों ने इसलिए क्या किया, बेस को लाइटली डॉप्ड करके रखा हुआ है, बेस को लाइटली डॉप्ड है, मतलब क्या है, इसमें लेस नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट है, अगर इसमें लेस नंबर ऑफ होल्स ही प्रेजेंट होगा तो रिकम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, कम हाँ रिकम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा।
सो जो रिकम्बिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस करेंट. क्या बोलेंगे? बेस करेंट. बेस करेंट इज ड्यू टू द रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द बेस रीजन. दिस रिकम्बाइंड कंस्टिट्यूट द स्मॉल बेस करेंट. रिमेंडल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस द बेस एंड कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करेंट. देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन गया वो कुछ रिकम्बाइन हो गया और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहां गया? कलेक्टर टर्मिनल के पास पहुंच गया. तो उस करेंट को क्या बोलेंगे? कलेक्टर करेंट बोलेंगे. तो क्या होगा? इमिटर करेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट. आप लोगों को आप लोगों को किरचॉफ्स करेंट लॉ मालूम है क्या? किरचॉफ्स करेंट लॉ? नहीं सर. देखिए किरचॉफ्स करेंट लॉ क्या बोलता है, सपोज ये नोड है समझे, और इसमें बहुत सारा ब्रांच लगा हुआ है और इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें अपवर्ड फ्लो हो रहा है, इसमें भी डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है I3 और इसमें I4 हो रहा है. तो करंट क्या बोलता है? एट एनी नोड. किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? एट एनी नोड इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. मतलब कि इस दुनिया में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है. Means at any node incoming current must be equal to outgoing current. तो आप देखिएगा इस टर्मिनल पे इनकमिंग करंट क्या है? I1 plus I3, है ना? Yes, equal to outgoing current. बाहर की तरफ कौन निकल रहा है? I2 plus I2. I4. तो यही किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है, एट एनी नोड इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो देखिए यहां पे क्या है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ के देखिएगा, तो आउटगोइंग करंट क्या है? इमिटर करंट, और कोई भी आउटगोइंग नहीं है. और इनकमिंग क्या है? बेस करंट एंड कलेक्टर करंट. कलेक्टर करंट. आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट. इसीलिए इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर. आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे भी देखिए, ये इमिटर करंट आउटगोइंग है और रिमेनिंग बेस करंट और कलेक्टर करंट क्या है? इनकमिंग है. तो आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट. सभी को आया समझ में? यस सर. हेलो. यस सर. हाँ अभी क्या है ना, अभी को किसी को डाउट्स है ना तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास जो अपना कल जो लैब है ना, कल लैब है ना? यस सर. यस सर. हाँ तो कल लैब में मैं क्या करूंगा, थ्योरी का क्लास लूंगा. समझ गए आप लोग? यस सर. यस सर. लैब में थ्योरी का क्लास लूंगा और उसमें मैं बताऊंगा आपको, आप लोगों को, या आज मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग बताया और बताऊंगा पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे करता है, और उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे. किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. नो सर. पक्का? यस सर. यस सर. ठीक है तो आप लोग मैं कुछ. हाँ बोलिए बोलिए ना आदित्य, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? नो सर. आते कुछ किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप. इमिटर टर्मिनल को हाईएस्ट डोपिंग करते हैं, सबसे हाईएस्ट एरिया कलेक्टर का होता है, बेस का डोपिंग भी कम होता है और थिकनेस भी कम होता है. क्यों? क्योंकि बेस का डोपिंग कम रहेगा और थिकनेस कम रहेगा तो उसमें रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कम होगा, जिससे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर टर्मिनल के पास पहुंच पाएगा, इससे कलेक्टर करंट क्या होगा? हाई होगा. अब हम लोगों को टारगेट क्या रहता है ना, कि इमिटर करेंट और कलेक्टर करेंट क्या होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए. हम लोगों का जो टारगेट है वो क्या है, कि इमिटर करेंट और कलेक्टर करेंट क्या होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए. इसके लिए कब इक्वल होगा? जब रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कम होगा इन द बेस रीजन. हम लोगों को बेस करंट है ना अनडिजायर्ड है. डिजायर्ड क्या है? हम लोगों को इनपुट क्या है? इमिटर करंट. आउटपुट क्या है? कलेक्टर करंट. बेस करंट अनडिजायर्ड है, मतलब कि हम लोगों को बेस करंट जितना कम हो उतना ही चाहिए. उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डोपिंग क्या करना पड़ेगा?
बेस करंट का कम करना है, समझे? तो ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं,